लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष दिव्या भारती 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जिला व प्रखंड वासियों को शुभकामना संदेश दिया और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जिला मुख्यालय अंतर्गत बादशाह डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बादशाह रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर विकास कुमार द्वारा माला पहनाकर दिव्या भारती को सम्मानित किया गया। उसके पश्चात स्टूडियो के कर्मचारियों द्वारा फूल माला और बुके देकर सम्मान किया। आयोजित इस उद्घाटन समारोह के दौरान रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर विकास कुमार, मुन्ना तिवारी, भास्कर भारती, राइटर छोटू के साथ स्थानीय लोगों की मुख्य रूप से उपस्थित रहा। आइए जानते हैं इस संदर्भ में क्या कर रही है महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिव्या भारती। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर, मैं दिव्या भारती लोक जनशक्ति पार्टी महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ और आज 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, 74th और बसंत पंचमी भी है। इस अवसर पर मैं पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को शुभकामनाएं देती हूँ और 26 जनवरी को झंडा तोलन हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे लोग आए थे। महिला प्रकोष्ठ की भी उपाध्यक्ष लोग शामिल हुई। उसके बाद हम लोग ये बादशाह स्टूडियो में आकर के बसंत पंचमी पूजा में सम्मिलित हुए। इस वजह से मैं सभी लोगों को यहाँ भी सरस्वती पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पार्टी की मजबूती के लिए क्या कहना चाहते हैं? अपना पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग पंचायत लेवल पर अभी सभी अध्यक्ष को जोड़ा गया है रिसेंट में, और आगामी मार्च में हम लोग को भव्य एक आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं या फिर जो पंचायत लेवल पे हैं उन सभी को पटना जाना है, सम्मिलित होना है और वहाँ चिराग सर भी रहेंगे। वहाँ सभी महिलाओं को अपना अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट से आई होंगी, पूरे बिहार की महिलाएँ वहाँ अपने अपने बातों को रखेंगी। और इस पार्टी में आप कितने वर्ष से कार्य कर रहे हैं? फरवरी को मेरा इस पार्टी में 1 साल हो जाएगा। और इतने 1 वर्ष में अपना कितना कार्यकर्ता जोड़ पाए आप? कार्यकर्ता जैसे देखिए क्या होता है ना कि पद के लिए होता है, तो पद के लिए 250-250 महिलाओं को हम जोड़ चुके हैं। अच्छा। और इस पार्टी में एक रसीद के थ्रू होता है, उसके लिए भी हम लोग मेल विंग को भी जोड़ रहे हैं। ऐसे महिलाओं का सारा संगठन कम्प्लीट हो चुका है। जिलावासी महिला के लिए क्या बोलना चाहते हैं? अपने जिलावासी महिलाओं के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि वो लोग काफ़ी तत्परता से काम करें और जो भी है, जैसे कि कोई भी बात हुआ, जैसे वो लोग अपना मेल विंग से कम ना समझे अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हैं और हमेशा चाहेंगे कि वो लोग काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचे और अपने जो भी है सारे जगह में, सोसाइटी में जितने भी बुराइयाँ हैं उसके प्रति वो लोग अपना आवाज़ उठाएँ।